हेलो फ्रेंड्स, विशेष सामग्री देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं नवरात्र के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। अब अष्टमी नवमी में सभी लोग अपनी श्रद्धा अनुसार और अपनी सामर्थ्य अनुसार नवरात्र का पूजन अर्चन करते हैं और इस दिन कई लोग पूजा वगैरह के बाद बच्चों को, कन्याओं को भोजन वगैरह कराते हैं और उसमें प्रसाद के रूप में नारियल भी विशेष रूप से दिया जाता है। कुछ लोग कलश पूजन में इस नारियल की स्थापना करते हैं और कुछ लोग पूजन के समय ही, जब कन्या पूजन करते हैं तभी ये नारियल उसको लेते हैं। तो ये जब नारियल को हम निकालते हैं तो इस तरह की चीज़ें, ये जो बाहर के छिलके हैं ये निकलते हैं। तो मैं इन्हीं का प्रयोग आज बताऊँगी। तो इस कुछ लोग इसका प्रयोग करते होंगे और कुछ लोग अगर नहीं करते हैं तो मैं इसका आज किस तरह से इसका सदुपयोग कर सकते हैं हम गार्डनिंग में, वही बताऊंगी। देखिए, ये इस तरह के रेशे जब बाद में निकलते हैं नारियल को, हम जब इस को उसका जो गिरी जो निकल जाती है उसके बाद, तो इसको हम अपने मॉस स्टिक बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जिस तरह की ये हमारे मनी प्लांट और इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं इसमें इस तरह की ये जो रूट्स निकलती हैं, ये देखिए ये, तो इसके लिए हम बाज़ार से मॉस स्टिक खरीदते हैं ताकि ये इसको जब सीधा हमें बढ़ाना हो इसको, तो हम एक इस तरह के हम मॉस स्टिक बाज़ार से ख़रीदते हैं। वही मॉस स्टिक हम घर में भी बना सकते हैं और इससे ये जो हमारे नारियल के ये जो निकले हुए हैं रेशे, इससे बना सकते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको एक इस तरह की कोई स्टिक लेनी पड़ेगी, कोई लकड़ी, अगर लकड़ी नहीं हो तो कोई प्लास्टिक की इस तरह के आकार की कोई इस तरह का ले सकते हैं। तो ये लकड़ियाँ जो गार्डनिंग करते हैं उनके कुछ ना कुछ, जैसे कि गुड़हल वगैरह की टहनियाँ होती हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं, कई बार हम उनको काटते हैं तो इस तरह की निकलती है। तो इस तरह की आप एक कोई स्टिक ले लीजिए, जितना लंबी आप बनाना चाहें। आपका प्लांट छोटा है तो आप छोटे बना सकते हैं, अगर बड़ा है तो आप बड़ी स्टिक में भी ये इस कर सकते हैं इस्तेमाल। तो इसको कैसे करना है यही मैं आपको आज बताऊँगी। इसके लिए कुछ नहीं, थोड़ा सा आपके पास कोई घर में कोई पुरानी ऊन पड़ी हो या कोई सुतली पड़ी हो या कोई इस तरह की, देखिए कोई पुरानी इस तरह की रस्सी पड़ी हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, ये मैंने एक बनाया है। इसके लिए सबसे पहले ऐसा करें कि जो नीचे आपका भाग जाएगा उसके उस पर ना लगाएं, ये आप खुला छोड़ दें इस तरह से, ये वाला, ताकि ये क्योंकि मिट्टी में जाएगा इस तरह से। और फिर ये देखिए, मैंने इसको ऊन से लगाया है, ये देखिए, ये इस तरह से आप इसको लगाते जाएं और ऊन इनको इसके लपेटते जाएं तो ये इस तरह से लिपट जाएगा पूरा, और जितना लंबा आप बना जाएं वो बन जाएगा। ये देखिए, मैं दूर से दिखा देती हूँ, इस तरह से आप अपनी मोस्टिक बना सकते हैं। और इस पर फिर अपने जो भी मनी प्लांट के जो रेशे हैं ये इस तरह से इसको करके आप ये जो इनकी जो रूट्स हैं ये इसके अंदर चली जाएंगी, यहीं से ये अपना भोजन लेते हैं। आप इसको गीला कर लीजिए, इसमें पानी डाल दीजिए, आपको सिर्फ मनी प्लांट के पत्ते ही धोएं, मनी प्लांट में बिना पानी दिए ही आपका मनी प्लांट अच्छी तरह से ग्रो करेगा। ये इसमें बाद में अपने आप ही चली जाएंगी अपना पोषण लेने के लिए, और ये अब आपके पौधे को पोषण भी देंगी और उसको आप मनचाहा सीधा आकार भी दे सकते हैं। इस तरह से मुफ्त में अपने घर में इस बार नवरात्र में जो ये आपके पास सामान बचता है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसको अगर ये नहीं बनाना चाहते तो आप इसको एक किसी भी बर्तन में किसी कहीं रख लीजिए और गर्मियों में इसमें इसको आप मल्चिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको कंपोस्ट में भी डाल सकते हैं, आपकी बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट बन जाएगी। और गर्मियों में ये इस मल्चिंग है, इस तरह से आप गर्मियों में जब बहुत तेज़ धूप होती है तो आप अपने गमले को इस तरह से ढक सकते हैं। और बहुत सर्दियों में भी आप सर्दी से बचाने के लिए, आपकी मिट्टी को ज़्यादा पाला ना पड़े लगे और ठंड ना लगे, तो आप इस तरह से इसको किनारों पर रख सकते हैं, तो आपका पौधा सेफ़ रहेगा। और गर्मियों में तो विशेष रूप से लाभदायक है, तो इस बार इसे फेंके नहीं, इसको इस्तेमाल करें, इस तरह से मॉस स्टिक बनाएं। ये देखिए, बहुत ही आसान है, जब भी आपको फुर्सत हो आप रख लीजिए, और जब आपके पास टाइम हो तो इस तरह का आप
कुछ रचनात्मक कार्य कर सकते हैं और आपके गार्डनिंग में इस्तेमाल भी हो सकता है। तो इस तरह का प्रयास आप करिए और अपने साथी लोगों को भी बताइए। और ये देखिए इसका बेहतरीन उपयोग है, तो इस बार नवरात्र में इसका उपयोग कीजिए। और पहले तो लोग इसका अपने रसोई वगैरह में भी साफ़ सफाई के लिए भी इसका पूरा इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से और इसको आप इसका बेहतरीन प्रयोग आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कीजिए आप भी प्रयास। हैप्पी गार्डनिंग।